हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं माय फाइव प्रेयर। कल मैंने कम्युनिटी में आप लोगों से सवाल किया था कि क्या किसी को याद है मेरी वो खास फाइव प्रेयर्स, और सबसे बेस्ट आंसर जो था इसको मैंने आज यहाँ पर पोस्ट किया है। और कारण सिर्फ ये है कि जिसको नहीं पता है माय फाइव प्रेयर्स, जो कि इस ज़िंदगी को जीने की चाबी है, लिब्रेशन ऑफ सोल की जो चाबी है वो ये पांच प्रेयर हैं। लिब्रेशन, यू कैन लिब्रेट योर सोल अगर ये पांच प्रेयर्स आप रोज़ करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर एक सब्सक्राइबर, हर एक सोल ब्रदर एंड सिस्टर जिसने ये वीडियो नहीं देखा है या चैनल को बाद में ज्वाइन किया है, सब तक ये प्रेयर पहुँच जाए। इसलिए आज मैं यहाँ पोस्ट कर रही हूँ और बधाई देती हूँ उस माय फेमिनिन को जिसे मेरी ये फाइव प्रेयर्स बिल्कुल कोर तक जिसकी समा चुकी है। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया है और आगे फर्स्ट टर्निंग पॉइंट हम डिवाइन फेमिनिन के मुंह से सुनेंगे। बस इतना ही कहूँगी आज, छोटी सी बात, मत करो इंतज़ार कि मेरी ज़िंदगी में कब कौन आएगा, मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। अगर सिर्फ सवाल शादी का है, आप में से बहुत लोग परेशान होते हो, मेरी शादी होगी कि नहीं, या मेरे घर वाले शादी के लिए देख रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, जिससे आपका कर्म है, जिससे आपका कर्मा है, वो आके ही रहेगा और कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और हर एक चीज़ वही होगी जिस जो आपके कर्मा से जुड़ी होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आना है तो आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। किसी को आपकी ज़िंदगी से जाना है तो भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उसका कर्म पूरा हो गया है। यंगस्टर्स प्यार के लिए तरसते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई आ नहीं रहा, DM तो बात कर नहीं रहा, कोई सोलमेट आ नहीं रहा, ठीक है। ये सब 3D की सोच है। बार बार एक ही बात बोलती हूँ, वही आएगा जिससे आपका कर्मा है, वरना कोई नहीं आएगा। और अगर कोई नहीं आ रहा तो समझ लीजिए किसी एक खास ने आपको चुन लिया, वो है ऊपर वाला। इसीलिए कहते हैं यू आर चोजन वन टू लिबरेट योर सोल, और आपकी सोल लिबरेट हुए, यू कैन एलिवेट योर सोल। इसलिए मैंने आज खास ये 5 प्रेयर्स आपके लिए पोस्ट करी है। इसको अपनी ज़िंदगी का आधार बना लीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माँ, फर्स्टली आई पे ग्रैटिट्यूड मेरे दिल की गहराइयों से आपको, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपकी वजह से ही मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँची हूँ, आपकी वजह से ही मैं इतनी बैलेंस हो पाई हूँ लाइफ में, हर चीज़ को बैलेंस कर पा रही हूँ। यहाँ तक आपने मुझे पहुँचाया है माँ, इतनी आगे आपने मुझे पहुँचा दिया है, मुझे आपने जीना सिखा दिया। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच गुरु पिताजी को भी और गुरु माँ को भी। हैप्पी फादर्स डे गुरु पिताजी को मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच गुरु पिताजी एंड गुरु माँ, आपकी वजह से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। माँ मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहती हूँ मेरी लाइफ का। आज फादर्स डे है और आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ माँ। मैं बचपन से ऐसे परिवार में पली बड़ी हूँ, जो मेरे फादर हैं वो काफ़ी ड्रिंक करते थे और वो शादी से पहले से ही ड्रिंक करते थे, तो काफ़ी ड्रिंक करके मार पिटाइयाँ भी होती थी बचपन में। मैंने ये सब चीज़ें बहुत फेस की है कि मदर फादर में लड़ाइयाँ होती हैं, खूब मार पिटाई होती थी ड्रिंक की वजह से। घर में कुछ भी पैसे नहीं जुड़ पाते थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत फेस से करने लगी थी मेरी फैमिली ड्रिंक की वजह से। घर बर्बाद होता जा रहा था, तो
जैसे जैसे बड़ी हुई उसी माहौल में पल के मैं बड़ी हुई, गर्मी, कलेश, ये सब चीज़ें मैं फेस कर कर के, इवन मैं ही नहीं, बहुत से लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें फेस करके बड़े होते हैं। मैं भी इन्हीं सब चीज़ों को फेस करके बड़ी हुई हूँ। पापा काफ़ी ड्रिंक वगैरह के चक्कर में काफ़ी लड़ाइयाँ, मारपीट, और पैसे जितने भी आते थे सब ड्रिंक में लगा देना। तो इन सब चीज़ों की वजह से घर में ज़रूरतमंद वाली चीज़ें भी नहीं आ पाती थी। बट माँ, जैसे ही मैं 2019 से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, 2019 में मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किया था, देन 2020 में मैंने आपसे इनोवर्क लिया। मेरे लिए सारे ही सेशंस बहुत इफ़ेक्टिव रहे, बहुत इफ़ेक्टिव। बट DNA हीलिंग जो सेशन रहा वो मेरे लिए मिरेकुलस रहा मैम। जब से मैंने DNA हीलिंग सेशन लेके करना स्टार्ट किया है, मेरे अंदर के साथ साथ मेरे फैमिली में इतने चेंजेस आए हैं कि मेरे फादर जो शादी से पहले से ड्रिंक करते थे, वो चाहते भी थे तब भी ड्रिंक नहीं छोड़ पाते थे। इवन वो जानते थे कि उस ड्रिंक के वजह से कितना नुकसान हो रहा है, बट वो छोड़ नहीं पाते थे। उनकी गलती नहीं थी, वो एडिक्टेड हो चुके थे उस चीज़ के, तो वो छोड़ नहीं पाते थे। बट मां, जैसे ही मैंने DNA हीलिंग करना स्टार्ट किया, मेरे फादर का मन हटता चला गया ड्रिंक से, और उन्होंने एक दिन खुद रिसेंटली 2 मंथ्स पहले से ही ये डिसीज़न लिया कि वो अब कभी ड्रिंक नहीं करेंगे। मेरे पापा एक भी दिन बिना ड्रिंक के नहीं रह सकते थे, और मेरे पापा ने अचानक से जब ड्रिंक, नॉनवेज, इवन ये सारी चीज़ें खाना तक छोड़ दिया जो नेगेटिव वाइब्रेशंस देती हैं, और 2 मंथ से मेरे पापा ने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया है। इवन उसके नाम से ही भी अब पापा को अच्छा फील नहीं होता है। तो एकदम से इतना बड़ा चेंज देखकर मेरी फैमिली भी काफ़ी खुश है। अब घर में शांति रहती है और पापा बहुत अच्छे से अब हम सबके साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से सबको समझते हैं। घर का खर्चा भी अब अच्छे से चल पा रहा है और बहुत शांति अब घर में रहने लग गई है। जैसे माँ आप बोलती हो ना कि जो ट्विन सोल्स होती हैं उनका जो एनर्जी फील्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने ये चीज़ भी फील की है कि अगर हम उदास रहते हैं तो किसी ना किसी वजह से घर की हर सोल उदास रहती है, बट अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो घर वाले भी पॉजिटिव रहते हैं। हमारे सराउंडिंग एरिया में जितने सोल्स हैं वो सब पॉजिटिव रहती हैं। तो आपके सेशन से माँ, मेरा घर अब बहुत खुश है, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा फादर्स डे है जो इतनी शांति के साथ हम मना पा रहे हैं। इतनी प्योरिटी के साथ अब हमारे घर में बहुत प्योरिटी रहने लगी है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच बाय डीप ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच, आई लव यू माँ, आई लव यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड माँ कि हमें आप मिली। अगर आप हमें नहीं मिलती तो ना जाने हम आज कहाँ होते। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। किसी बहुत बड़े पुण्य कर्म का फल हमें आपके रूप में मिला है माँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच माँ।